सोने चांदी के नदी का अनोखा लहंगा। बहुत समय पहले की बात है, रामपुर नामक गांव में अन्नू अपने मामा मामी के घर में रहती थी। कुछ दिनों पहले अन्नू के माता पिता का किसी दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से अन्नू अपने मामा मामी के साथ ही रहती थी। अन्नू के मामा जी सुरेश तो बहुत ही अच्छे थे, वह अन्नू का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते थे, लेकिन अन्नू की मामी सुनीता अन्नू को देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। तभी एक दिन अन्नू अपने मामा से कहती है, मामा जी मैं कॉलेज जाना चाहती हूँ, मेरे एग्जाम आने वाले हैं और इस साल मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं कॉलेज नहीं गई तो मेरा पूरा साल खराब हो जाएगा और मामा जी कॉलेज की फीस भी जमा करनी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, तुम्हारे कॉलेज की फीस मैं जमा करा दूंगा और तुम कल से ही कॉलेज जाना शुरू कर दो। अन्नू के मामा जी अन्नू से ऐसा कह ही रहे थे, तभी अन्नू की मामी बोलती है, क्या कहा आपने, जरा दोबारा से कहना, आप इस मनहूस को कॉलेज भेजोगे और इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे कि अपना घर का खर्चा चलाए और इसके कॉलेज की फीस भी भरे, पैसे क्या पैर पे लगे हैं? मैंने इसे अपने घर में रखा है, दो वक्त का खाना खिलाते हैं, पहनने के लिए कपड़े देते हैं, इतना कम है क्या कि आप इसका फालतू का भी खर्चा उठाएंगे? मेरी भी एक बेटी है, मुझे उसके बारे में भी सोचना है। मैं आपको अपनी बेटी का हक नहीं मारने दूंगी, मैं इस मनहूस को कॉलेज नहीं जाने दूंगी। अगर आपने इस मनहूस को कॉलेज जाने की अनुमति दी तो मैं अपनी बेटी को लेकर किसी दूसरे शहर में चली जाऊंगी। हाँ, अपने मामा मामी को इस तरह से लड़ता हुआ देखकर अन्नू बोलती है, मामा जी मामी आप दोनों प्लीज मेरी वजह से झगड़ा मत करो। अगर आपको लगता है कि मुझे कॉलेज नहीं जाना चाहिए तो मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी, लेकिन आप मामा जी से झगड़ा मत करो मामी। और मामी आपको यह घर छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर अन्नू रोते हुए वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन अन्नू के मामा जी ऑफिस से घर आ रहे थे, तभी उनका रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। जब सुरेश की मृत्यु की खबर सुनीता और उसकी बेटी रजनी को मिलती है तो दोनों माँ बेटी और अन्नू बहुत ही ज्यादा रोती है। तभी सुनीता अन्नू को बहुत खरी खोटी सुनाती है और कहती है, जब से इस मनहूस ने मेरे घर में कदम रखे हैं, तब से मेरे घर में कुछ न कुछ होता ही जा रहा है। पहले इस मनहूस की वजह से मेरे पति का पूरा बिजनेस खत्म हो गया और अब वह हमें छोड़कर दुनिया से ही चले गए। मुझे इस मनहूस को अपने घर में रखना ही नहीं चाहिए था। बचपन में अपने माँ बाप को खा गई और अब मेरा घर भी बर्बाद कर दी। आज तेरी वजह से मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं अपनी बेटी का पालन पोषण कैसे करूंगी? हाय, मैं तो बर्बाद हो गई भगवान। ऐसा कहकर सुनीता अन्नू को बहुत सुना रही थी। तभी अन्नू रोते हुए अपने मामी से कहती है, मामी जी मुझे बहुत अच्छी सिलाई करनी आती है, मैं एक फैशन डिजाइनर भी हूँ, मैं बहुत अच्छे अच्छे लहंगे सिल लेती हूँ, आप बस मुझे किसी तरह एक सिलाई मशीन दिलवा दीजिए। मामी जी मैं लहंगा सिल सिल कर इतने पैसे तो कमा ही लूंगी कि जिससे अपने घर का गुजारा अच्छे से चल जाएगा। आप घर चलाने की चिंता मत करो मामी जी, मैं हूँ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर अन्नू अपनी मामी को दिलासा दिलाती है। कुछ देर बाद अन्नू के मामा जी का अंतिम संस्कार हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अन्नू की मामी जी अन्नू को सिलाई मशीन दिलवा देती है और अन्नू से कहती है, ये ले मनहूस सिलाई मशीन और अब सुंदर सुंदर लहंगे बना और घर का पूरा खर्चा चला। और हाँ, अब से घर का सारा काम भी तू ही करेगी, झाड़ू पोछा करना, कपड़े धोना और खाना भी तू ही बनाएगी और इसके साथ साथ तू सिलाई भी करेगी। मेरी बात को अच्छे से समझ ले। मगर मामी जी मैं सिलाई के साथ साथ घर का पूरा काम कैसे कर सकती हूँ? घर का काम आप और रजनी दीदी कर लो, मैं सिलाई का काम कर लूँगी। इस तरह से मिलजुल कर हम काम आसानी से कर सकते हैं। देखो मम्मी, यह घर की नौकरानी हम दोनों को काम करने के लिए कह रही है, आप इसको कुछ बोलते क्यों नहीं? रजनी की यह बातें सुनकर सुनीता अन्नू की खूब पिटाई करती है
और उससे कहती है, मुझे कुछ नहीं पता कि तू किस तरह से घर का काम करेगी और किस तरह से सिलाई, दोनों काम तुझे ही करना है वरना मैं तुम्हें घर से धक्के मार कर निकाल दूंगी। बेचारी अन्नू चुपचाप सभी काम करने के लिए हाँ कर देती है क्योंकि उसका कोई और सहारा नहीं था, ना तो उसके माता पिता थे और ना ही उसके पास सर छुपाने के लिए छत थी, इसलिए उसे अपने मामी जी की बात माननी ही पड़ती है। बेचारी अन्नू दिन भर घर का सारा काम करती है और रात में जाकर सिलाई भी करती है और सुंदर सुंदर लहंगे बनाती है और जो भी लहंगे सिलकर वो पैसे कमाती वो खुशी खुशी अपने मामी जी को दे देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। दिन रात काम कर कर के अन्नू की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और एक दिन अन्नू अपने मामी जी से कहती है, मामी जी मेरी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब लग रही है, मुझे दवाई की जरूरत है और कल मुझे अर्जेंट में एक लहंगा सिलकर भी देना है, मुझे दवाई दिलवा दो वरना मैं सिलाई नहीं कर पाऊंगी मामी जी। हाँ हाँ मुझे तुम्हारे ड्रामे अच्छे तरीके से पता है, अब चार पैसे क्या कमाने लगी है, मेरे से फालतू खर्चा करवाना चाहती है, मैं तुम्हें कोई दवाई नहीं दिलवा रही, अब जा जल्दी से गर्मा गर्म एक कप मेरे लिए चाय बना कर ला, और हाँ जो अर्जेंट में लहंगा सिलना है ना वो अभी जाकर सिल, तू जैसे ड्रामेबाज को मैं अच्छे से जानती हूँ। ऐसा कहकर सुनीता अन्नू को दुत्कार देती है। तभी वहाँ सुनीता की बेटी रजनी आती है और वो अपने माँ से कहती है, मम्मी मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा रही हूँ तो आप मुझे 5,000 रुपए दे दो। हाँ हाँ क्यों नहीं मेरी प्यारी बच्ची, मैं तुम्हें 5,000 क्या 10,000 देती हूँ, ये ले बेटा 10,000 रुपए और जा अपने दोस्तों के साथ खूब इंजॉय करना और जब समय मिले तो मुझे अपनी पिक भी सेंड करते रहना क्योंकि मैं भी तो देखूं कि मेरी बेटी कितना इंजॉय कर रही है। ऐसा कहकर सुनीता अपनी बेटी को 10,000 रुपए दे देती है और बेचारी अन्नू को 100 रुपए की दवाई तक नहीं दिलवाती। तभी अन्नू अपनी मामी जी से कहती है, मामी जी यह तो गलत बात है ना, मैं पूरे दिन घर का काम करती हूँ और रात में जाग कर इतनी मेहनत से सिलाई करती हूँ और आप मेरी इतनी मेहनत के पैसे अपनी बेटी को यूँ उड़ाने के लिए दे रही हो और मुझे 100 रुपए की दवाई तक नहीं दिलवा रही हो, यह तो बहुत गलत बात है ना मामी जी। अन्नू के मुँह से यह बातें सुनकर सुनीता को बहुत गुस्सा आता है और वह अन्नू की इतनी ज्यादा तबीयत खराब होने पर भी उसकी खूब पिटाई करती है और अन्नू से कहती है, मेरी बेटी बाहर घूमने जा रही है और तुम उसे नजर लगा रही हो, मैंने तुझे अपने घर में रख रखा है, यह कम बड़ी बात नहीं है, अब जा यहाँ से, खरे खरे मेरा मुंह क्या देख रही है, मनहूस कहीं की। अन्नू अपनी मामी जी की बातें सुनकर उदास मन से वहाँ से चली जाती है। अन्नू की बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब थी लेकिन वह फिर भी घर का सारा काम करती है और अर्जेंट में देने वाले लहंगे की सिलाई करने के लिए लहंगा लेकर मशीन पर बैठ जाती है लेकिन अन्नू लहंगा तैयार नहीं कर पाती है। अन्नू अपने स्वर्गवासी माँ की तस्वीर देखकर बहुत ही रोती है और कहती है, माँ मैं क्या करूँ, आप दोनों मुझे छोड़कर क्यों चले गए और मुझे दूसरों की दुत्कार सुननी पड़ रही है, माँ आप देख रही हो ना मेरी कितनी ज्यादा तबीयत खराब है, लेकिन मामी जी को मेरे ऊपर बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा है, अगर मैंने ये लहंगा तैयार नहीं किया तो मामी जी मुझे बहुत मारेगी माँ, क्योंकि मामी जी ने इस लहंगे का एडवांस पैसे ले रखा है, माँ अब आप ही कोई रास्ता दिखाओ, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती माँ, मैं और अत्याचार नहीं सह सकती, मामी जी अपनी बेटी को घूमने के लिए 10,000 रुपए दे दी लेकिन मुझे 100 रुपए की दवाई तक नहीं दिलवाई और यह सब पैसे मेरी कमाई के हैं माँ, मैं कितने मेहनत से सिलाई करती हूँ आप तो सब देख रही हो ना माँ। ऐसा कहकर अन्नू बहुत रोती है। तभी अन्नू की स्वर्गवासी माँ की तस्वीर से आत्मा निकलकर बाहर आती है और अन्नू से कहती है, मेरी प्यारी बेटी चुप हो जा, मैं तुम्हें एक जगह बताती हूँ, वहाँ पर तुझे एक नदी दिखाई देगा, उस नदी में एक तरफ सोने का लहंगा
और दूसरी तरफ चांदी का लहंगा मिलेगा। पहले तुम्हें परीक्षा में पास होना पड़ेगा। अगर तुम परीक्षा में पास हो जाओगी तो तुम एक सोने का अनोखा लहंगा और चांदी का अनोखा लहंगा अपने साथ लेकर आ सकती हो। उसके बाद तुम एक सोने और चांदी के अनोखे लहंगे से अपना जीवन हंसी खुशी बिता सकती हो। माँ, अगर आप मेरी मदद करना चाहती हो तो आप प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं बस आपके साथ रहना चाहती हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए माँ, मुझे तो बस आपका आंचल चाहिए माँ। आप मेरे साथ होगी तो मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं होगी माँ। नहीं मेरी प्यारी बच्ची, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं तो बस तुम्हें रास्ता दिखाने आई हूँ, क्योंकि तुम्हारे ऊपर सुनीता बहुत अत्याचार कर रही है और मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा। मेरे पास बहुत ही कम समय है, तुम्हें अभी उस जगह के लिए निकल जाना चाहिए। जाओ मेरी प्यारी बेटी और परीक्षा में पास हो जाओ और वहाँ से सोने और चांदी के अनोखा लहंगा लेकर आ जाओ। इतना कहकर अन्नू की स्वर्गवासी माँ की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है और अन्नू अपनी माँ की बताई जगह पर पहुँच जाती है। अन्नू वहाँ जाकर देखती है कि नदी के एक तरफ सोने का लहंगा और दूसरी तरफ चांदी का लहंगा था। तभी वहाँ पर एक परी आती है और अन्नू से कहती है, अन्नू तुम्हारे सामने एक सोने का अनोखा लहंगा है। अगर तुम सोने का अनोखा लहंगा चुनती हो तो तुम्हें बहुत सारे धन दौलत मिलेगा, और अगर तुम चांदी का अनोखा लहंगा चुनती हो तो तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसके साथ साथ तुम्हें गरीब विकलांग और अनाथ बच्चों की सेवा करनी होगी। अब तुम बताओ तुम कौन सा लहंगा चुनती हो। परी जी, मुझे चांदी का अनोखा लहंगा चाहिए। मैं ठीक होना चाहती हूँ और गरीब और बेसहारा लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। मुझे धन दौलत की चाह नहीं है, मैं सेवा करके पुण्य कमाना चाहती हूँ और उनकी दुआएं लेना चाहती हूँ। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे धन दौलत की लालच बिल्कुल नहीं है। परी जी, अन्नू तुम बहुत अच्छी और नेक दिल लड़की हो, वरना आज तक जो भी यहाँ आया है उसने सोने का अनोखा लहंगा ही चुना है। कोई किसी का सेवा करना नहीं चाहता, एक तुम ही हो जिसने सेवा करने के बारे में सोचा है। इसलिए तुम दोनों सोने और चांदी के अनोखे लहंगे को ले जा सकती हो। एक लहंगा तुम्हें ठीक कर देगा और दूसरे लहंगे से तुम बहुत सारी धन दौलत मांग सकती हो। मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम अपनी परीक्षा में पास हो चुकी हो। जाओ ये लहंगे ले लो और हमेशा खुश रहो। परी की यह बातें सुनकर अन्नू बहुत ही खुश हो जाती है और वह सोने और चांदी के अनोखे लहंगे अपने साथ ले आती है। अनोखा चांदी के लहंगे से वह बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है और अनोखे सोने के लहंगे से वह बहुत सारा धन दौलत लेकर हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है और अब वह अपने घर में रहने लगती है। और अन्नू गरीब विकलांग और अनाथ बच्चों की भी बहुत सेवा करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है और अन्नू की मामी जी को यह बात पता चल जाती है कि अन्नू के पास दो जादुई अनोखे सोने चांदी के लहंगे हैं, जिस वजह से वह इतनी अमीर हो गई है। तभी अन्नू की मामी अन्नू के घर आती है और उससे बोलती है, अरे अन्नू बेटा, तुम घर छोड़कर तो ऐसे आ गई जैसे हम तुम्हारे कोई नहीं है। बेटा, मैंने तुम्हारे साथ जो भी गलत किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। अब मैं और मेरी बेटी रजनी तुम्हारे साथ यही रहना चाहते हैं। तुम हमें अपने घर में रहने की जगह दे दो। तुम चाहो तो अपने घर का पूरा काम मुझसे करवा लेना, लेकिन मुझे रहने के लिए अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दो बेटा। इतना कहकर सुनीता और रजनी झूठ मूठ का आंसू बहाने लगती है ताकि उन्हें अन्नू अपने घर में रहने की जगह दे दे। अन्नू को उन दोनों माँ बेटी पर तरस आ जाता है और वह अपने घर में उन्हें रहने की अनुमति दे देती है। अब दोनों माँ बेटी अन्नू के साथ उसके घर में रहने लगती है। और जब दोनों माँ बेटी को सोने और चांदी के अनोखे लहंगा हाथ लग जाता है, तब दोनों लहंगे चुराकर अपने घर आ जाती है और घर आकर अनोखे सोने और चांदी के लहंगे से कहती है, हे अनोखे सोने और चांदी के लहंगे, मुझे दुनिया की सारी दौलत चाहिए। इतना धन दौलत कि मैं उस मनहूस अन्नू से ज्यादा अमीर हो जाऊं। सुनीता और रजनी के इतना कहते ही
उसे अनोखे सोने और चांदी के लहंगे के अंदर से धन दौलत तो नहीं आती है, लेकिन बहुत सारे सांप और बिच्छू आ जाते हैं और दोनों माँ बेटी को डस लेते हैं और वहीं पर दोनों माँ बेटी की मृत्यु हो जाती है। दोनों को अपने किए की सजा मिल जाती है और उसके बाद सोने और चांदी का अनोखा लहंगा उड़कर अन्नू के पास चले जाते हैं और अन्नू उस सोने और चांदी के लहंगे से अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगती है। बादलों में जादुई रंगीला केक का घर लड़की काव्या की है। काव्या अपनी दादी के साथ रहती थी। काव्या के माता पिता का कुछ साल पहले ही सड़क दुर्घटने में मृत्यु हो गई थी। काव्या को पढ़ाई लिखाई में बहुत ही रुचि थी, लेकिन पैसों की कमी की वजह से वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई। काव्या के घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी, इसलिए वो अपने घर का खर्चा चलाने के लिए एक बेकरी के दुकान में काम करने लगी। काव्या को बहुत ही अच्छा केक बनाना आता था, जिस वजह से उस बेकरी की मालकिन अनुराधा भी उससे बहुत खुश रहती थी। लेकिन अनुराधा बहुत ही लालची और स्वार्थी महिला थी। वह काव्या से पूरा दिन काम करवाती और उसे बदले में बहुत ही कम पैसे देती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन अनुराधा काव्या से कहती है, काव्या आज हमें पूरे 50 केक बनाने का ऑर्डर मिला है। तुम्हारे हाथ का बना हुआ केक सभी ग्राहकों को बहुत ही पसंद आता है, तो तुम ऐसे ही मन लगाकर केक बनाया करो। मैं तुम्हारी तनख्वाह कुछ और बढ़ा दूंगी। ठीक है मालकिन, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं पूरे मन से केक बनाऊंगी। हाँ हाँ ठीक है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और काव्या का जन्मदिन आने वाला था, तो वह अपने मालकिन अनुराधा से कहती है, मालकिन अगले हफ्ते मेरा जन्मदिन है, तो मुझे उस दिन छुट्टी चाहिए। छुट्टी? वो किस लिए? तुम्हें छुट्टी क्यों चाहिए? मालकिन अगले हफ्ते मेरा जन्मदिन आने वाला है, इसलिए मुझे छुट्टी चाहिए, क्योंकि मुझे उस दिन अपनी दादी माँ के साथ बाहर घूमने जाना है। अच्छा चलो ठीक है, ले लेना छुट्टी। अब जाकर पहले आज का ऑर्डर तैयार करो, सुबह से बहुत कस्टमर आ चुके हैं, शाम तक पूरे 50 केक तैयार हो जाना चाहिए। अनुराधा की बातें सुनकर काव्या केक बनाने में लग जाती है। एक हफ्ते बाद काव्या का जन्मदिन था, लेकिन उसकी मालकिन अनुराधा ने उसे जन्मदिन वाले दिन भी काम पर बुला लिया। मुझे लगता है शायद मालकिन भूल गई है कि आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैं शॉप पर जाकर ही उनसे छुट्टी ले लूंगी। यह सोचकर काव्या दुकान पर पहुंच जाती है और अपने मालकिन से छुट्टी मांगती है। काव्या मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे सकती, क्योंकि आज भी बहुत ज्यादा केक का ऑर्डर आया है, तो आज तुम्हें सारा केक तैयार करना है, तो आज तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी। तुम्हें छुट्टी देकर हमें अपना नुकसान नहीं करवाना है। पर मालकिन आज मेरा जन्मदिन है, आज मैं काम नहीं करना चाहती, प्लीज मुझे आज भर के लिए छुट्टी दे दीजिए। बस एक दिन की तो बात है, कल मैं समय पर आकर सारा काम कर दूंगी। बिल्कुल नहीं, तुम्हें कोई छुट्टी नहीं मिल सकती। अगर तुम्हें आज छुट्टी दे दिया तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा, इसकी भरपाई कौन करेगा? बोलो क्या तुम करोगी? मालकिन की बात सुनकर काव्या उदास हो जाती है और उदास मन से केक बनाने लग जाती है। काम खत्म हो जाने के बाद घर जाते समय काव्या एक नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है और अपने माता पिता को याद करके बहुत ही रोने लगती है। तभी उसे वहाँ किसी की आवाज़ सुनाई देती है, कोई मुझे बचाओ, मेरी मदद करो, हेल्प हेल्प। आवाज़ सुनकर काव्या इधर उधर देखने लगती है। अरे यहाँ पर रोने की किसकी आवाज़ आ रही है? लगता है कोई मुसीबत में है, मुझे चलकर उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन यह आवाज़ तो जंगल की तरफ से आ रही है, मुझे वहाँ जाकर देखना चाहिए। यह सोचकर काव्या जंगल की ओर जाने लगती है। कुछ दूर चलने पर वो देखती है कि एक परी पेड़ में रस्सियों से बंधी हुई है और मदद के लिए चिल्ला रही है। काव्या जल्दी से भागते हुए उस परी के पास जाती है और पेड़ से बंधे हुए परी को जल्दी से खोलती है
और उसके बाद काव्या उस परी से बोलती है, आप कौन हैं और आपको इस तरह पैर में किसने बांधा है? मैं एक जादुई परी हूँ, मुझे यहाँ चुड़ैल ने बंदी बनाकर रखा है, लेकिन तुमने मेरी मदद करके मेरी जान बचाई है। जादुई परी, आप परीलोक में रहती हो क्या? हाँ काव्या, मैं परीलोक में ही रहती थी, पर पिछले साल मेरे जन्मदिन पर मुझे रानी परी ने जादुई रंग बिरंगा केक का घर गिफ्ट किया है जो ऊपर बादलों में है, और आजकल मैं उसी में रहती हूँ, लेकिन अभी मैं वहाँ नहीं जा सकती हूँ क्योंकि शैतान ने मेरी जादुई छड़ी तोड़ दी है, और मैं बिना जादुई छड़ी के उस जादुई रंगीला केक के घर के अंदर नहीं जा सकती हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगी? परी जी, पर भला मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? काव्या, तुम्हें बादलों के पास जाना होगा, वहाँ तुम्हें दो बर्थडे केक का घर दिखाई देगा। उस केक घर में एक केक का घर रंगीला जादुई केक के मायावी शक्ति से बनी हुई है। उन दोनों जादुई केक के घर में से एक घर असली है और दूसरा घर नकली है। जब तुम उन दोनों केक के घर के पास जाओगी तो तुम्हें अपनी समझदारी से असली जादुई रंगीला केक के घर को पहचानना होगा। उसके बाद दूसरा नकली जादुई केक अपने आप ही गायब हो जाएगा। असली रंगीला जादुई केक के घर के अंदर रानी परी की दी हुई जादुई छड़ी है। अगर तुम मुझे वह जादुई छड़ी लाकर दोगी, उसके बाद ही मैं उस जादुई रंगीले केक के घर के अंदर जा सकूंगी। पर परी जी, मैं ऊपर बादलों के पास कैसे जा सकती हूँ भला? मेरे पास आपके जैसे पंख तो है ही नहीं जिससे कि मैं उड़कर उसके पास जा सकूं। काव्या, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वहाँ तक जाने का रास्ता बताती हूँ। यह कहते हुए जादुई परी ताली बजाती है, तभी उसके सामने सीढ़ियाँ प्रकट हो जाती है, जो सीढ़ियाँ सीधे बादलों के पास जा रही होती है। यह देखकर काव्या चौंक जाती है, तभी जादुई परी बोलती है, काव्या तुम जल्दी से चढ़कर इन सीढ़ियों से ऊपर चली जाओ, तुम्हें वहाँ दो रंगीला केक घर मिलेगा, मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार करूँगी। काव्या उन सीढ़ियों पर चढ़ते हुए बादलों के पास पहुँच जाती है। बादलों के पास पहुँचते ही उसे वहाँ दो जादुई रंगीला केक घर दिखाई देता है। जैसे ही वह रंगीला केक के घर के पास पहुँचती है, तभी पहले केक घर से आवाज आती है, तुम्हारा स्वागत है इस जादुई रंगीले केक की दुनिया में, मैं जादुई केक हूँ। अगर तुम मेरे घर के अंदर आओगी तो तुम्हें जो चाहिए वह सब कुछ मिलेगा, और तुम हमेशा खुश रहोगी और बहुत ही अमीर हो जाओगी। तुम्हारे जीवन में कभी दुख परेशानी नहीं आएगी, तो आओ मेरे घर के अंदर आ जाओ। तभी दूसरा जादुई रंगीला केक कहता है, नहीं, तुम इसकी बातों में मत आना, इसकी बातों पर विश्वास मत करना, मैं हूँ असली जादुई रंगीला केक। अगर तुम मेरे घर के अंदर आओगी तो तुम्हें सुख और दुख दोनों मिलेंगे। अब फैसला तुम्हारे हाथों में है, अब तुम्हें ही चुनना है कि हम दोनों में से असली जादुई रंगीला केक घर कौन सा है। दोनों केक घर की बातें सुनकर काव्या सोच में पड़ जाती है और मन ही मन सोचने लगती है, पहले जादुई रंगीला केक के घर के अंदर सिर्फ सुख ही है, लेकिन दूसरे जादुई रंगीला केक के घर के अंदर सुख और दुख दोनों है, और जिंदगी में कभी केवल सुख हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंसान की जिंदगी में सुख और दुख दोनों जीवन साथी के तरह होता है। इसका मतलब दूसरा केक ही असली जादुई रंगीला केक घर है। यह सोचकर काव्या ने कहा, मुझे दूसरे जादुई रंगीला केक घर के अंदर जाना है। काव्या के इतना बोलते ही पहला रंगीला केक का घर अपने आप गायब हो जाता है। वहीं दूसरे रंगीले केक के घर का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। जैसे ही काव्या जादुई रंगीला केक के घर के अंदर जाती है, तब वह देखती है कि उस घर के अंदर सब कुछ मौजूद था। फिर वह टेबल पर रखा हुआ जादुई छड़ी लेकर जादुई परी के पास लौट आती है। यह देखकर जादुई परी बहुत ही खुश होती है और काव्या से बोलती है, काव्या तुम बहुत ही अच्छी हो, तुमने लालच बिल्कुल भी नहीं किया, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी।
और तुम मेरी परीक्षा में खरी उतरी हो। तुमने इस जादुई छड़ी का बिल्कुल भी गलत इस्तेमाल नहीं किया है। मुझे किसी शैतान ने कैद नहीं किया था। मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और मैं परीलोक की जादुई परी हूँ। तुम मेरी परीक्षा में खरी उतरी हो और मुझे यह भी पता है कि आज तुम्हारा जन्मदिन है, इसलिए मैं तुम्हें एक जादुई रंगीला केक गिफ्ट कर रही हूँ। यह कहते हुए जादुई परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और देखते ही देखते काव्या के सामने एक जादुई रंगीला केक का घर प्रकट हो जाता है। काव्या, अब से यह जादुई रंगीला केक घर तुम्हारा है। अब हर साल तुम अपना जन्मदिन खुशी खुशी मनाना और अब तुम्हें किसी दूसरे के यहाँ केक बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इस जादुई रंगीला केक घर की मदद से तुम अपना खुद का बेकरी खोलना और खुद का बिजनेस स्टार्ट करना। यह सुनकर काव्या बहुत ही खुश हो जाती है और खुशी खुशी जादुई परी का धन्यवाद करती है और फिर अपनी दादी माँ के साथ खुशी खुशी जादुई रंगीला केक के घर में रहने लगती है। जादुई रंगीला केक की मदद से काव्या ने अपना खुद का केक का बेकरी खोल लिया और कम से कम दामों में केक बेचने लगी और गरीब और अनाथ बच्चों को हर साल अपने जन्मदिन पर नए नए कपड़े और तरह तरह के केक बांटने लगी। तभी एक दिन काव्या की तरक्की देखकर उसकी मालकिन अनुराधा को अपनी गलती का एहसास होता है और अनुराधा काव्या के पास जाती है और बोलती है, काव्या बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अरे कोई बात नहीं मालकिन। काव्या की जिंदगी में अब खुशियां ही खुशियां थी। ये सब जादुई परी के जादुई रंगीले केक की वजह से संभव हो पाया था। अब काव्या अपनी दादी माँ के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हो फिर किसी ऐसे ही जादुई मजेदार कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।